फ्रेंड्स, क्या हो अगर रात को आप खा पी कर आराम से सो जाओ और सुबह उठकर देखो तो चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दें। दोस्तों, ठीक ऐसा हादसा हमारे भारत देश में हो चुका है। भोपाल के शहर में एक कंपनी आई थी सन 1989 में, जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी कोई कीटनाशक दवाइयों को बनाता था, और इस कीटनाशक दवाई को बनाने के लिए एक केमिकल की जरूरत पड़ती थी जिसका नाम था MIC। MIC मतलब मिथाइलेन आइसोनाइट केमिकल। दोस्तों, इस केमिकल को पहले ही वो लोग विदेश से मंगाते थे, लेकिन उसके दौरान कंपटीटर्स बढ़ गए, मतलब उसके जैसी और कंपनियां खड़ी हो गई जो अपने प्रोडक्ट को सस्ते में सेल करती थी, और इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। तो वो विदेश से मंगाने के बजाय वो उसी कंपनी में उसे बनाने लगा, मतलब केमिकल्स को रिएक्शन करा के उसको बनाने लगा। दोस्तों, ये केमिकल इतना डेंजर था कि ये पानी के साथ में रिएक्ट करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो जाता था, और इसके पूरे जो टैंक था उसमें पानी का लीकेज बढ़ गया, और लीकेज बढ़ने के बाद वो जो टैंक था वो पूरा अच्छा लीकेज करने लगा, और उसके दौरान पूरे भोपाल शहर में जो थी MIC फैल गई, और फैलने के बाद लोगों को खांसी आती थी, आँखों में जलन होता था, और रात को काफ़ी ज़्यादा लोग शोर शराबे से भागते थे इधर उधर। लोग डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता था कि भैया ये कौन सा केमिकल है, क्या फिर क्या चीज़ है, ये कोई बीमारी है या फिर मतलब कैसा क्या चीज़ है, उनको समझ में नहीं आया, और लोग खांसते मर गए, आँखों से अंधे हो गए, ऐसा मंजर था वो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से एक अच्छी सीख ली होंगे आप, एक ऐसा जानकारी लिए होंगे जो आपको एक सीख भी देता हो। सीख मतलब आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी हर एक तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। छोटी छोटी नोटिस करेंगे तो ही समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया, पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो यार। थैंक यू।